मुझे आपने दिया और मेरे विद्यार्थियों से मुझे जीवन भर मिला, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं दो तीन लोगों का स्मरण करना चाहता हूँ, मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए और मैं जो हूँ, मेरा जीवन दर्शन जो है वो विकसित करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने माता और पिता का स्मरण करता हूँ जिन्होंने मुझे संस्कार। मैं दिनभर कक्षा में पढ़ाते रहता तो मेरे परिवार की तरफ ध्यान देने को मुझे थोड़ा कम समय मिला। मेरे बच्चों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी है और मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता खरे ने उठे, इसलिए मैं उनको भी स्मरण कर रहा हूँ। देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये घर में शांति रखने का सबसे अच्छा तरीका है। और इस उम्र में दूर से प्रणाम करने के अलावा और क्या कर सकते। तीसरा, मैं इस मामले पर, इस मौके पर मैं भूल नहीं सकता मेरे फुफेरे भाई मोरेश्वर सर। मैं 17 साल का था, बीएससी फाइनल की परीक्षा मैंने दी थी और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मेरी कक्षा में आकर पीएमटी की क्रैश कोर्स जो है उसमें पढ़ा। 1970 का वो हमारा पहला क्रैश कोर्स था। शुरुआत में 5 विद्यार्थी थे, फिर 8-9 हो गए। डॉक्टर दीपाल धारकर और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नारी मसन, ये दोनों उस बैच में। उसके बाद में ये सिलसिला चलते रहा कि बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला पर देखो शेर की नजर से। जो भैया हमारी क्लास में आते थे, मुझे याद है बीएचएससी फर्स्ट ईयर में मैं भैया से पढ़ी हूँ, तो ये जो एक शिक्षक के प्रति सहज श्रद्धा सम्मान जो बच्चों में होना चाहिए वो स्वयमेव आता जाता है यदि शिक्षक उस तरह के समर्पित भाव से बच्चों के निर्माण में लगे हुए हैं। सितारों की इस महफिल में सूरज की सदारत अब भी बाकी है और कह दो अंधेरों की साजिश रचने वालों से, कह दो अंधेरों की साजिश रचने वालों से कि ये दीपक शान से जल रहा है, इसकी रोशनी और मेरी इबादत अब भी बाकी है।